हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निक्स किचन ब्लॉग। निक्स किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केले फूल की सब्जी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक केला का फूल। आप देख सकते हैं ये इस तरह का होता है। और मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 20 से 25 लहसुन और 3 लाल मिर्च। आप यहाँ पर हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम केले के फूल को अच्छे से निकाल लेंगे, जो पार्ट हम सब्जी में यूज करेंगे। तो ऊपर का जो रेड वाला लीफ आप देख सकते हैं, उसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। और जो ये केले के शेप में जो दिख रहा है फ्लावर जैसा छोटे छोटे केले, इसको हम निकाल के अलग रखेंगे। सब्जी इसी का बनेगा, जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है उसका सब्जी बनेगा। और जो रेड कलर का लीफ आप निकाल रहे हैं उसको फेंक देना है। इस तरह से रेड वाला लीफ हटाते जाना है, रेड वाले पत्ते को हटा देना है और येलो वाला पार्ट को एक जगह रखना है। जब तक लाल कलर का पत्ता आएगा तब तक हटाते जाना है। अंदर में आप देख सकते हैं येलो कलर का ही लीफ आया है। तो ये जब तक हार्ड रहेगा तब तक इसे निकालना है। जब लीफ सॉफ्ट आना शुरू होगा तो इसे भी काट कर सब्जी में डाल देना है। तो आप देख सकते हैं ये लीफ काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये इजली पक जाएंगे, इसलिए इसे अब फेंकना नहीं है। बाकी इसे भी छोटा छोटा काट के डाल देना है। तो ये सारे पत्ते को आपको फेंक देना है और बाकी जितने भी यहाँ दिख रहे हैं इसे सब्जी में यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का फूल होता है, इसका केले जैसा ही इसका शेप है। तो इसके अंदर में ये प्लास्टिक जैसा जो दिख रहा है इसे आपको निकाल देना है, ये पकता नहीं है अच्छे से। और अंदर में आप देख सकते हैं 5-6 अलग शेप का है और एक उसमें माचिस की तीली जैसा है, इसे आप निकाल देंगे, इससे सब्जी जो है वो कड़वा हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे फ्लावर ऐसे भी आपको मिलेंगे जो काफी बंद होंगे, तो उसमें नहीं निकालना है। मैं आगे जाके वो भी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये वाला लीफ आपको हटा देना है और माचिस की तीली जैसा वो बाकी सब शेप से अलग है, तो उसे आपको निकाल देना है। इसी तरह से हम बाकी सभी को बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये अंदर वाला है इसलिए ये ज़्यादा बंद है, तो इससे निकालने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो आप इस तरह से उसे खोल खोल कर निकाल लें, जितना पॉसिबल हो उतना में से वो माचिस की तीली जैसा जो दिख रहा है उसे निकाल दें और जब बाकी सॉफ्ट जो आने लगे उसे छोड़ दें और इस तरह से उसे कट करें बारीक बारीक। इस तरह से कट करना है। सबको हम इसी तरह से काट लेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं या थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और फिर लेंगे हम ये वाला पार्ट और नीचे वाले हार्ड पार्ट को हम काट कर फेंक देंगे और इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से काटना है। ध्यान रखें इसे काटते समय अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लें, क्योंकि केले जैसा ही ये हाथों को काला कर देता है, बट 1 से 2 दिन में वो कालापन चला जाता है। देख सकते हैं
थोड़ा थोड़ा काला हो गया है मेरा। तो इस तरह से काट ले। ये हार्ड पार्ट है तो इसे मैंने फेंक दिया है और अब हम इसको गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए उबालेंगे। तो इसे हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर आप उबालें। ये उबल चुका है तो अब इसमें का पानी जो है हम छान के अलग कर देंगे। तो इसका पानी मैंने निकाल दिया है यहाँ पर और जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो फ्राई करते समय सूख जाएगा, तो उसके लिए वरी नहीं होना है। तो हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 6 से 7 टेबल स्पून सरसों का ऑयल और फिर इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 1 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता और फिर उसमें हम डालेंगे आलू और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। दो से तीन मिनट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज प्याज लिया है और आलू मैंने 3 मीडियम साइज लिया है, उसको इस शेप में कट कर लिया है। प्याज और आलू को 2 से 3 मिनट हम और भूनेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फिर हम इसे फ्राई करेंगे और ढक देंगे। इससे जो है जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएगा आलू और प्याज। तो इसे बीच बीच में ढक ढक के पकाएं तो सब्जी जल्दी बन जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। इसमें है जीरा, अदरक, काली मिर्च, लहसुन और लाल मिर्च। इसको मैंने पीस के पेस्ट तैयार कर लिया था और फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून हल्दी और कलर के लिए मैंने ऐड किया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसाले को हम 5 मिनट तक भुनेंगे, फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा साइज टमाटर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, आप चाहे तो छोटा बड़ा शेप कर सकते हैं और फिर इसे फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे केला का फूल जो मैंने उबाल कर रखा था और फिर इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा देंगे। देखिए इसमें से पानी छोड़ दिया है थोड़ा, तो जो भी थोड़ा बहुत नहीं पका होगा उबालने के बाद वो फ्राई करने से पक जाएगा। तो आप इसी तरह से ढक्कन लगा कर पकाएं। तो ये 10 मिनट जैसा हो गया है मेरा ढक्कन लगा के पकाते हुए। इसे हम 5 मिनट फिर ऐसे भूनेंगे ताकि इसमें का जितना भी पानी है वो अच्छे से सूख जाए। पानी लगभग सूख गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला और इसे फिर 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत और पानी है वो गरम मसाला के बाद फ्राई करने से वो भी सूख जाएगा। अगर आपको ग्रेवी बनाना है तो इसमें पानी ऐड करके इसे ग्रेवी बना सकते हैं। तो ये रेडी है केले फूल की सब्जी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें अपने घर में। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें
और बेल आइकन को दबाना भी ना भूले ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।